बस हमें अपने कान और आंखें खोल के रखनी है। जब मौका मिले बाजी पलटते, और अगर हमें मौका मिला ही ना तो फिर ये कंटिन्यूटी की टूटियां लगा के हर वक्त गाने सुनती रहा करूं। वहां हारिस की शादी हो जाएगी। शादी? जायरा की माँ की रजामंदी के बगैर कैसे हो सकती है शादी? मना लिया है रूमी ने उनको। इतनी आसानी से कैसे मान गए? हमारी सोच से कहीं ज्यादा तेज है रूमी। जब यहाँ रहती थी तो घर वालों को उसके सिवा कुछ नजर ही नहीं आता था। वहां गई तो असद को अपना दीवाना बना लिया। अरे फहमीदा आंटी जैसी तेज सास उसके सामने बेबस हो जाती हैं। तो फिर जायरा की माँ को मनाना कितना मुश्किल था। पता नहीं ऐसा कौन सा जादू है रूमी के पास, सब उसके दीवाने बने फिरते हैं। आप रूमी की तारीफें बंद करके आगे सोचेंगे क्या होगा? सोचने के लिए अब बचा ही क्या है, बस मामू जाएंगे उनके घर, शादी की बात करेंगे और तारीख लेके आ जाएंगे। अब क्या होगा आपी? अम्मी के इस जज्बातीपन के फैसले ने सब कुछ खराब करके रख दिया। अब जो होना था वो हो गया, लकीरें पीटने का कोई फायदा नहीं है। मतलब मैं अपने अरमानों पर फातिहा पढ़ लूं? अब प्लीज रोना मत शुरू कर देना। रो नहीं तो और क्या करूं? मैंने तो सोचा था कि मंगनी के टाइम के दरमियान आगे हम कुछ ना कुछ सोच लेंगे। मंगनी हो या शादी क्या फर्क पड़ता है, बस हमें अपने कान और आंखें खोल के रखनी। जब मौका मिले बाजी पलटते, और अगर हमें मौका मिला ही ना तो फिर सामने को मुझे कहते हैं जी हीरा मानी। सब्सक्राइब करें YouTube चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।